हाय फ्रेंड्स आपण मानको आम चैनल को स्वागत कथारे अछि मनीष जन्म अर्थात वयस द्वारा केबे बड़ हो जाए नहीं किंतु मनीषर कर्म ही तार महानतार परिचय दिए भारतर अनेक कालजयी पुरुष माने तांको कर्म बल रे आज भारतीयों गहली रे मन पड़ते ठीक से ही भली प्रतिभावान व्यक्ति विषय आज मुझे एक सुंदर वीडियो जे कि आमर पूर्वतन राष्ट्रपति मुखर्जी महाशय हाँ आज्ञा आपण माने ठीक भावुंत मु आम देशर जने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पूर्वतन राष्ट्रपति भारतरत्न प्रणब मुखर्जी विषय ही कहूँ तो चलतु आम टाइम वेस्ट नक शीघ्र जीवनी विषय जाणी भिडटी को स्कीप नक मूल शेष पर्यंत देखु आशा करुच्ची किसी नू तथ्य जापर प्रणब मुखर्जी जन्म 11 डिसेंबर 1935 पश्चिमबंगर मीराती गाँव में होता पिता नाम किंकर मुखर्जी और माता नाम थी राजलक्ष्मी मुखर्जी देखु इतिहास साक्षी अच्छे वर्तमान पश्चिमबंग जहाँ को बंगाल कह जाऊला यही पश्चिमबंग हे भारतीय शासन केन्द्रबिंदु कहले अत्युक्ति हम ना कारण यही भारतीय जातीयतावाद धार्मिक संस्करण एवं यहीपर कि इंग्रेजर ईस्ट इंडिया कंपानी रूल यही आरंभ होता भारतर अनेक महापुरुष जन्म बंगाल रु हिं श्री मुखर्जी सूरी विद्यासागर कॉलेज रे अध्ययन परे कोलकाता विश्वविद्यालय उभय राजनीति विज्ञान और इतिहास रे एमए डिग्री हासिल करिथिले से एही विश्वविद्यालय रु एलएलबी मध्य पढ़िथिले अध्ययन परे श्री मुखर्जी 1963 मसीह रे कोलकाता एक महाविद्यालय रे अध्यापक रूपे जोग देथिले परे परे से बंगला भाषार किछि साप्ताहिक और मासिक पत्रिकार संपादन करूथिले श्री मुखर्जी राजनैतिक जीवन आरंभ होता 1969 से बंगला कांग्रेस सदस्य हिसाब से राज्यसभा सांसद होते जो बंगला कांग्रेस के किसी वर्ष पर कांग्रेस दल भाव परिचित है सीधा सीधा कहवाक गले से 1969 रे कांग्रेस दल रु ही राजनैतिक जीवन आरंभ करते श्री मुखर्जी राजनैतिक जीवन आरंभ में बहुत दायित्वपूर्ण भूमिका मान संपादन करुथिले से 1973 मसीह इंदिरा गांधी कैबिनेट रे औद्योगिक विकास बा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट र यूनियन डेप्युटी मिनिस्टर भाव जोगदेले श्री मुखर्जी 1979 राज्यसभा डेप्युटी लीडर और 1980 मसीह राज्यसभा लीडर होते जहाँ को कि आम लीडर ऑफ द हाउस कही था एवं राज्यसभा इंदिरा गांधी अनुपस्थित अनेक भावात्मक निष्पत्ति नेउथिले एथिरु जना पड़े जे श्री मुखर्जी केते प्रतिभाशाली थिले तापरे 1982 मसीह इंदिरा गांधी प्रणब मुखर्जी को अर्थमंत्री भाव नियुक्त करते जे कि 47 वर्ष बयस अर्थमंत्री होते श्री मुखर्जी 1984 पर्यंत भारतर अर्थमंत्री थिले एवं यही समय रे श्री मुखर्जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक रो आरबीआई रो गवर्नर भाव नियुक्त करते दुखर कथा कि इंदिरा गांधी 1984 मसीह हत्यारे मृत्यु पर राजीव गांधी सरकार पावर को आसिले और तापर प्रणब मुखर्जी पदपदवी सबू छड़े नियागला किंतु परे परे राजीव गांधी निज भूल को जानिपारी प्रणब मुखर्जी हाथ मिले शासन कार्य कले देखु जदिओ प्रणब मुखर्जी अभिज्ञ थे तथापि इंदिरा गांधी पुत्र राजीव गांधी ही निज को सर्वे सर्वा भावुले 1986 राजीव गांधी ऑफिशियली प्रणब मुखर्जी को दलर बाहर करदे तापर से ही वर्ष 1986 मसीह ही मुखर्जी पश्चिमबंग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नामक एक दल गठन करते परे परे प्रणब मुखर्जी हाथ मिले राजीव गांधी 1989 राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस दल को भारतीय जातीय कांग्रेस रे मिसेई देले एवं पुणी थरे मुखर्जी कांग्रेस रे जोग देले तापरे राजीव गांधी हत्या परे 1991 पीवी नरसिम्हा राव सरकार आसिला परे से भारतीय योजना कमिशन बा इंडियन प्लानिंग कमिशन रो डेप्युटी चेयरमैन भाव नियुक्त हेले एवं प्रथम थर पर नरसिम्हा सरकार कैबिनेट रे 1995 रु 1996 पर्यंत वैदेशिक मंत्री भाव कार्य करते सोनिया गांधी सभापतित्व में श्री मुखर्जी को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी पद दि जाइए श्री मुखर्जी 1998 रु 1999 मसीह पर्यंत ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रूपे कार्य करते 2000 मसीह मुखर्जी को पश्चिमबंग कांग्रेस कमिटी सभापति भाव नियुक्त करागला
2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମୁଖାର୍ଜୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ 2004 ଲୋକସଭାରେ ଲିଡର ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ବି ହେଲେ। ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 2006 ସେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତାପରେ 2009 2012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି GST ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା BJP ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଇକୋନୋମି ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2010 ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଅମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ୍ ତରଫରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଫର୍ ଏସିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2012 ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତାପରେ 15 ଜୁନ୍ 2012 ସେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀ ମୁଖାର୍ଜୀ NDA ଦଳର ନୋମିନି PA ସାଙ୍ଗମାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ହରାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ଭାରତର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖାର୍ଜୀ July 25, 2012 ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବାବେଳେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳରେ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସୋମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।